न देखे सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम यहाँ आए हैं, आज हमारी सिंथ की टीम के मैच है और दिखाते हैं फिर आपको। तो चले आपकी टीम का मैच है तो देख रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, तो आप हमारे हमें अपने ब्लॉग में हमेशा अपने साथ रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैच है, इंशाल्लाह दुआ करिएगा हमारे लिए कि सिंध की टीम इंशाल्लाह पता हो कि ग्राउंड से निकले और सिंध है जीतती है, तो यही हमारी इज्जत है इंशाल्लाह। टीम का मैच हो रहा है तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हवा काफ़ी तेज चल रही है और हमारी पीछे टीम वार्म अप वगैरह कर रही है। इसके बाद हमारा पोर्ट कासिम की टीम के साथ मैच है और मेरा व्लॉग आज है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो हमारी टीम वार्म अप वगैरह के लिए और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हमारी टीम विन करेगी, तो हमारी टीम मेहनत कर रही है। मैच शुरू होने वाला है और टीम मीटिंग वगैरह चल रही है हमारी टीम की, तो इंशाल्लाह टीम जो है वो लाइनअप होने जा रही है और इंशाल्लाह जीतेगी। ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छी की इन लोगों ने और पूर आज़म और जीत के अपने जज्बे से आए हुए, तो ग्राउंड खाली कर रहे हैं हम लोग भी और दुआओं में इनको याद रखना जब तक तो ये ब्लॉग बन जाएगा और पता चल जाएगा हार जीत क्या होती रही है क्या होता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। टॉस वगैरह होने जा रहा है और इसके बाद मैच शुरू होगा और बड़ा टफ मैच है और मैच आपको दिखाएंगे, तो चलते हैं हम बैठेंगे पीछे क्योंकि हमारा यहाँ ज्वेलरी में अलाव नहीं है, तो चलते हैं। चल रहा है और हमारी गोल लग चुका है और हमारी टीम अच्छा खेल रही है लेकिन गोल नहीं निकल रहा है और मैच बहुत अच्छा हो रहा है, तो दुआई कर सकते हैं अपने टीम के लिए और क्या कर सकते हैं। तो भाई इस वक्त लास्ट क्वार्टर चल रहा है,
जो टीम को मैच लूज कर चुकी है 4-0, लेकिन थर्ड क्वार्टर तक बहुत अच्छा खेली और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बैड लक और क्या कह सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैच रहा लेकिन बैड लक, और इस वक्त सिंध हार चुकी है और आज अभी हम निकलेंगे और उसके बाद कल की शायद हमारी टिकट हो। क्या कहेंगे यार मुइज भाई, हार्ड लगता। हमारी डिफेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा खेली यार, लिटरली आउटस्टैंडिंग खेली। मतलब हम लोग ने शॉट्स भी रोके उनका, हमारी हार्ड लगी थी कि फर्स्ट शॉट हम पे गोल लगा। बाकी फिर आपको पता है कि जब इतना प्रेशर एक चीज़ से दबाते रहो तो होते जाता है। हार्ड लग था, बस किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया हमारा फॉरवर्ड्स का। बाकी एक इंशाल्लाह कराची है कि और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और वापस आएंगे इंशाल्लाह। अरे भाई आप ब्लॉग्स को भाई ज़रूर सपोर्ट किया करें, क्योंकि ये भाई इतनी मेहनत करता है, आप लोगों को पता नहीं है कितनी मेहनत ये करता है। लोग जो है, मैं लिटरली बात हूँ, लोग जो है वो कोई मतलब सीखते हैं, ये बंदा जो कर करके सीख रहा है, मतलब वो सीख ही नहीं आया, कर करके सीख रहा है, मतलब बहुत डीप बात है, इसको समझना समझ ले। अरे भाई की स्टाइल ये है मोहब्बत और सारे पैसे जो है ना इसी के है। अरे भाई जियो यार। तो भाई थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे मुइज भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई। तो मैच के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? मैच बड़ा टफ हुआ, बड़ा अच्छा मैच हुआ, स्कोर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस कोशिश करी हम लोगों ने, तीन क्वार्टर तक 1-0 लीड से खेले, बस नसीब में नहीं था और थोड़ा फॉरवर्ड्स ने भी साथ नहीं दिया, गोल नहीं हो पाया उनसे, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया, बस नसीब में नहीं था, ये कह सकते हैं। हार्ड लगती थी तो भाई हार्ड लगती, लेकिन हमारा गोलकीपर बहुत खेला और बहुत अच्छा उन्होंने अपने मैच में परफॉर्मेंस दिखाई, तो क्या कह सकते हैं बैड लक के साथ। ممند کفری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا پختون خوا پختون خوا خټک یوسف زیم ممند کفری دیم پختون خوا زما وطن میں ہم آئے ہیں اور کوئٹہ میں ہماری مہمان نوازی کی منور بھائی نے، یہ ہمارے منور بھائی ہیں جو کوئٹہ میں رہتے ہیں، اور یہ نومان भाई ये नुमान मुझसे जो था ना नाराज चल रहा था, जो मेरे ब्लॉग में नहीं आ रहा था, तो अभी ये आ गया। तो बोल भाई। भाई बस कुछ गलत फहमियाँ होती हैं जो इंसान को दूर कर देती हैं, वो गलत फहमियाँ दूर ही रहने दिया करें, दोस्ती को भी ख़राब नहीं करनी चाहिए, ये कहूँगा। और अब हमारे मुनव्वर भाई हैं जो माशाल्लाह बहुत दिल के अच्छे इंसान और बहुत अच्छे टैक्स लेकर कोयटा के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी हमें बस खिलाई जा रहे हैं मुनव्वर भाई। तो मुनव्वर भाई यही है और कोयटा में रहते हैं, और इन्होंने जो हमारी मेहमान नवाजी की, थैंक यू सो मच मुनव्वर भाई। और मज़ा आ गया, और अब थोड़ा बहुत कोयटा हमें घुमाने वाले मुनव्वर भाई। तो शुक्र है नुमान से हमारी दोबारा बात हो गई, वरना यार क्या कहना चाहोगे क्वेटा का, क्या चल रहा है? बस यार क्वेटा में कुछ नहीं चल रहा, कुछ की चल रही है, होंड कुछ कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं ठंड है, लेकिन ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा व्यू है, आप व्यू दिखाएं, वहाँ पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ऐसे हैं कि ये मुनव्वर भाई हमें छोड़ नहीं रहे हैं, अब यहाँ चाय पिलाने के लिए लेके आए, और ये इधर की क्वेटा की चाय। तो मुनव्वर भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं क्या बोलूँ, कुछ तो बोल दो यार, मेरा मेहमान है, बस यही बड़ी बात है। तो ये मोहब्बत है क्वेटा वालों की। तो नुमान मुनव्वर भाई बहुत तकल्लुफ कर रहे हैं यार, मना भी कर रहा हूँ मुनव्वर भाई को, चाय पीते नहीं है फिर भी मंगवा ली मुनव्वर भाई से। तो शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, we'll be right back.
होटल पहुंच चुके हैं इस वक्त और मुनव्वर भाई ने काफ़ी हमें घुमाया, बहुत ज़बरदस्त। कोटा बड़ा अच्छा शहर है और मौसम आ चुके हैं, थके हैं काफ़ी फ्रेश होंगे और उसके बाद